मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे ने बच्चों ने कहा हमारे पास सबूत है, अलजी साहब ने कहा सबूत दो कार्रवाई करेंगे, बच्चे कहते हैं हमारे पास सबूत है, अभी बात होगी, आप बुलाओ दो चार को बुलाओ ना, मीडिया के सामने नहीं बात हो सकती ना सर, मेरे को आप जवाब दीजिए, बाकी को क्या पता कि मैंने क्या सुना, कल को मुझे बात नहीं सकता है ना, मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहना, बिल्कुल बिल्कुल देखो मेरी बात ईमानदारी के साथ बात करो, आप इस मसले का समाधान चाहते हैं, लोगों के मीडिया में बयान करना चाहते हैं, सबसे सड़क पर बैठ के बात होती है, दो चार बच्चों से यहाँ जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं उनको बुलाओ, उनके सामने बात कर सर, एज पेरेंट्स को कौन लीड करेगा, बेचारे खुद ही अपनी मजबूरी लेके बाहर आए हैं, कोई ना कोई तो होगा ना, जरा लोगों थोड़ा फंसा दो चार बुलाओ, यहाँ होंगे दो चार, कोई बात नहीं, मैं सबसे विंकल भैया को बुलाओ, विंकल जी को बुलाओ, दो हो गए ले आओ, नहीं मैं यही हूँ बच्चा, मैं नहीं जाने वाला, उत्तर मैं नहीं जाने वाला, बुलाओ आपकी पता कितनी बड़ी फैन है, बच्चा जी आप बुला लो, आपकी बहुत बड़ी फैन सर, आज मेरे को मौका मिला, तो आप हमें बोल दीजिए कि आप लोग लाचार हैं, छोड़िए अपनी पार्टी के पदों को और हम लोगों के साथ धरने पर बैठ जाइए, हम मान लेंगे कि आपकी नहीं चल रही है, एलजी आपका नहीं सुन रहा और आप लोग हमारे साथ कम से कम खड़े तो हैं, अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं बता दीजिए, आप लाचार हैं और हमारे साथ आकर बैठ जाइए। आपकी चार डिमांड्स क्या है? देखिए हमारी चार डिमांड्स में है, पहला इमीडिएट जो इन्होंने कैलेंडर निकाला है कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी उस पेपर को कंडक्ट करेगी, उसको वापस लेना, दूसरा इस कंपनी को यहां से बाहर निकालना, तीसरा जो एग्जाम इस कंपनी ने कराए हैं उनकी टेक्निकल जांच करवाना, और चौथा एक सख्त पेपर लीक को लेकर कानून, क्योंकि कल भी उपराज्यपाल ने कहा कि हमने पहले बहुत कार्रवाइयां की, मात्र धोखा दिया गया कार्रवाइयों के नाम पर, 100 से 200 करोड़ का घोटाला था और 64 लाख रुपए रिकवर हुआ, तमाम वो अफसर तमाम वो नेता जो स्कैम में थे, जिनके बकायदा नाम लिस्टेड है, जिनके घरों पर छापे पड़े हैं, वो सब आज बाहर घूम रहे हैं, ये किन कार्रवाइयों की बात करते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। रविंद्र रैना जी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई स्कैम है सामने लाइए, हम उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। देखिए हमने इनको बोला आप आइए बाहर, सबके सामने सबूत देंगे, मीडिया के सामने देंगे, बंद कमरे में सबूत नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 9 महीने से हर दर दरबार पर जाकर हमने चेयरमैन को 3 मार्च को लिखा था कि अटैक ने ब्लैक लिस्टेड के टाइम पे जो किया किया, करंट में जो इसने घोटाले किए वो सब दिया था हमने जेकेएसएसबी को, हमारे पास रिसीविंग है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिसीविंग है 3 मार्च की, क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुई, डिपकॉम साहब से मिले थे उनको सब कुछ बताया, एडीसी लॉ एंड ऑर्डर से मिले थे उनको सब कुछ बताया, सबसे मिले कुछ नहीं हुआ, अब जो सबूत देंगे वो मीडिया के सामने देंगे, सबके सामने क्या देंगे, देखिए वो एलजी हाउस में बात कर रहे हैं, क्या बात होती है उनकी वो बाहर आकर, सर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एग्जामिनेशन कोई ऐसी कंपनी ले जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है इन सो मेनी स्टेट्स और जो ऑलरेडी इतने स्कैम कर चुकी है, तो हमारी बस इतनी ही जो है अपील है कि ये जो एग्जामिनेशन है जो पिछले 3 साल से अभी तक हो जाने चाहिए थे फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो अभी तक बोर्ड नहीं ले पाया है, तो उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमारा एग्जामिनेशन फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन हमारा लिया जाए, और ऐसी कंपनी को क्यों फर्स्ट इंस्टेंस में हायर करना है जो ऑलरेडी स्कैम से घिरी हुई है, तो हम चाहते हैं हमारा एग्जामिनेशन कोई ऐसी कंपनी ले, अगर उनको कंपनी से लेवाना ही है तो ऐसी कंपनी ले जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और फर्स्ट इंस्टेंस में ये जेकेएसएसबी बोर्ड का ही जो है इतना होना चाहिए कि वो हमारे एग्जामिनेशन जो है वो खुद कंडक्ट करवा सके, ना ही किसी प्राइवेट प्लेयर को इसमें इन्वॉल्व कर सके, बार बार टेंडर दिया जाए, आपको लगता है कुछ बड़े बड़े जो उसके ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर उनके शेयर से इसमें तभी उसको बार बार दिया जाता है, सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट आई नो दिस हैप्टिक इज ब्लैक लिस्टेड इन सो मेनी स्टेट्स और अभी भी ये बहुत स्कैम कर चुकी है, तो हम नहीं चाहते हम ऐसा एग्जामिनेशन दे किसी ऐसी कंपनी को जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, और ये एग्जामिनेशन पिछले साल हो जाने चाहिए, ये 3 साल एक रिक्रूटमेंट में लगाते हैं, दो रिक्रूटमेंट में लगाते हैं, बार बार एग्जामिनेशन दो कैंसिल हो जाएगा, फिर दोबारा एग्जामिनेशन दो, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि एक बार आके हमारी बात तो सुनेगी, हम जेन्युइन है कि नहीं है, ये बस बोलते हैं चिंता नहीं करनी, सब पढ़े जाएंगे, आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, वो 8-8 साल से अंदर बैठ के पढ़ रहा है, उसको हर एक फैक्ट्स पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाना बिल्कुल छोड़ दीजिए और बाहर आ जाइए, ये आप ही के लिए बोल रहे हैं हम, फ्यूचर में जब आप हमारे पास वोट मांगने आएंगे तो हम भी आपको ऐसे ठेंगा दिखाएंगे जैसे आज आप हमें दिखा रहे हैं। गवर्नर साहब पिछली बार 2021 में
यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही है जो अभी ट्रेंडिंग में भी है, वो पिछली बार भी यही बोल रहे थे कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट्स हुई है, बट वो बिल्कुल झूठ निकला बाद में, हमने ही उनको तब भी तथ्य लिए थे। और अब जब इतने बच्चे बाहर आए हैं, वो पागल नहीं है कि बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पे इतनी गर्मी में, इसका मतलब उनको कुछ लग रहा है वैसा। हमारा फ्यूचर हमें सिक्योर लग ही नहीं रहा, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, मतलब फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कि एक बार हमारा समाधान कर दें, मैटर सब्जुडाइज है, जैसे कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है इसकी, एक बार आके हमारी बात सुने, हमारे मसले को सॉल्व करें, पेपर हमारे हैं, पैसे हमारे हैं, रिक्रूटमेंट हमारी है, तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है? एपटेक ने ऐसा क्या कर दिया जो हम नहीं करके दे रहे हैं इनको? क्या सर, पता नहीं, कोई प्रेशर है ऊपर से शायद, पैसे खाए हैं इन्होंने ज्यादा से ज्यादा, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, आप आज तक बाहर आएगा कंपनी है बार बार को कॉन्टैक्ट किया, क्या आपको लगता है इसके पीछे कुछ लोगों को, बड़े लोगों का हाथ है या उनके शेयर से में? सर ये कंपनी, इसका प्रोसेस ही ऐसे होता है, ये टेंडर लेते ही ऐसे हैं, ये पहले पैसे खिलाते हैं उसके बाद इनको टेंडर दिए जाते हैं, ये एक प्रोसेस है, ये हर जगह चल रहा है। ये हम तो यही मांग है कि करप्शन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। हाथ जोड़ के हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट कर ली है, बट ये माने नहीं, अब इसलिए हमें ऐसे बाहर आना पड़ा। तो कंपनी हमारे पेपर एग्जाम कंडक्ट कर रही है JKSSB कंपनी के द्वारा, हम इस एक्टेप्ट को, ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हम इसको एग्जाम नहीं देना चाहते, हमने बार बार ये प्रोटेस्ट करके भी बताया है, लेकिन हमारी ये जम्मू कश्मीर की ये जो LG गवर्नमेंट है, ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका आपस में ही कुछ रिश्ता लग रहा है, क्योंकि करप्ट ऑलरेडी दूसरी स्टेट्स में बैन होती है, तो उसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब हो तो उसको क्यों लेना है? और ये हमारे ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? जो बच्चे, एक तो बच्चे सामने आ रहे हैं अपने हक के लिए, ऊपर से उनको मारना है, बच्चियों के कपड़े भी फाड़ दिए इन्होंने, हमें डिटेन भी किया, अंदर भी डाला, लेकिन इनको अभी तक इस चीज़ का नहीं कि हम नहीं रुकेंगे। क्या कारण, क्या विषय, कंपनी को बार बार क्यों किया जाता है, बड़े बड़े लोगों के शेयर इसमें, तब इस कंपनी को बार बार टर्न दिया जाता है? हाँ, बड़े बड़े जो 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 बड़े बड़े जो मिलियनियर्स हैं हिंदुस्तान के, जो करप्ट तरीन लोग हैं, वही ऊपर बैठे हैं, वही चला रहे हैं, उन्हीं के शेयर हैं, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, उन्हीं के शेयर हैं इनमें, तो वही इनको कर रहे हैं, तो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं साथ में, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 4 साल से पेपर नहीं कंडक्ट कर पाए, तो ये बार बार हमसे नहीं होगा, हम इसीलिए बोल रहे हैं प्लीज हमारा ये पेपर कंडक्ट कर लें अच्छे से, ये हमसे नहीं होगा बार बार। बीजेपी सरकार से बोल रही है हम गवर्नमेंट जॉब बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में है, तो देख लो ना कौन सी ट्रांसपेरेंसी, या 3 बार स्क्रैप, दो बार स्क्रैप हो चुके हैं हमारे एग्जाम्स, फिर दोबारा ब्लैक लिस्टेड को हायर कर रहे हैं, भाई तुम्हारा करना क्या, हमें मार दो ना, और तुम्हारे लिए हम आसान काम कर देना, हमें मार दो, या हम रोड पे आ रहे हैं तो हमें रोड पे आने दो, हमारा हक दो, नहीं है तुम्हारा वस्तु तो अब नहीं दे रहे, तो तुम गोली मार के मार दो ना, ये क्या ड्रामा मचा के रखा आप लोगों ने, हम बाहर आते हैं डंडे बरसाते हो, डंडू से नहीं मरते हम, तुम गोली मार दो सीधा।